सचिन किंग बोल रहा हूँ, आपका सचिन किंग। तो कैसे हैं सब लोग, क्या चल रहा है? इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक बात बहुत ही इत्मीनान से कह देना चाहता हूँ कि जो लोग भी इस वीडियो के माध्यम से मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, वो हेडफोन लगा के या किसी एकांत में जाके इस वीडियो को सुने, पूरा सुने, आधा अधूरा ना सुने, वरना उनके काम की ये वीडियो नहीं है। ऐसा मैंने कभी किसी वीडियो पर नहीं बोला, कभी किसी ऑडियो पे नहीं बोला, लेकिन आज मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को आप तभी सुने जब आपके पास समय हो। अगर समय ना हो तो आप कतई भी इस वीडियो को ना सुने। दूसरी मेरी अपील है उन लोगों से जो अभी यूथ हैं, नई जनरेशन के हैं, अगर आप बेटिंग जैसी गंदी लत आपको लग गई है या आप अभी बेटिंग में आने की सोच रहे हैं, क्रिकेट बैटिंग करने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बहुत ही गंदी आदत है, बहुत बुरी लत है, इस गंदगी से दूर ही रहें। लेकिन अगर आप किसी कारणवश इस दलदल में फंस गए हैं और धंस गए हैं, तो आपके लिए मेरी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसे पूरा ध्यान से सुने। और मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, फ़ोन स्मार्ट हो गए, लैपटॉप स्मार्ट हो गए, काम करने का तरीका स्मार्ट हो गया, पेमेंट्स स्मार्ट हो गई हैं, तो आप लोग अभी तक पंटर से स्मार्ट पंटर क्यों नहीं बने? मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं बने? मैं बहुत दिनों से एक क्वेरी का सामना कर रहा हूँ। जितने भी मैसेजेस आते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरा एक ही व्हाट्सएप नंबर है 8318488619, और मैं एक बात को नहीं समझ पाया। लोग कहते हैं इस बार का आईपीएल बहुत गंदा हुआ। मैं कहता हूं कि हमारी जितनी भी प्रेडिक्शंस थी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के देखिए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाएंगे। आप देखिए कि इस बार का आईपीएल कितना सुपर हुआ है और कितना अच्छा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ लोग नेगेटिव रिजल्ट्स लेके बैठे हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्यों। फिलहाल मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग क्रिकेट की गंदी लत को अपनाए हुए हैं और बैटिंग की गंदी लत उनके अंदर ठूस ठूस के भरी हुई है, वो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन लें। आप इसलिए पॉजिटिव रिजल्ट नहीं पा पाते क्योंकि आपको सब कुछ करना है। आपको टॉस प्रेडिक्शन भी करनी है, वो भी चाहिए आपको, आपको सेशन को भी खेलना है, सेशन प्रेडिक्शन भी चाहिए आपको, आपको मैच भी खेलना है, मैच की प्रेडिक्शन भी चाहिए। तो भाई सबसे पहले तो आप अपना दायरा सीमित करिए कि आप करना क्या चाहते हैं। भट्टी में अपने आप को घुसेड़ लेने से सिर्फ आप जल के ही बाहर निकल सकते हो, अदरवाइज वहीं राख हो जाओगे। आप भट्टी की तरह चीजों को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? जितने ज्यादा ऑप्शन उतना हारने का तरीका। मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी इंसान, कोई भी शख्स, वो किसी भी एज ग्रुप का हो, मैं नहीं चाहता कि वो इस तरह की चीजों में फंस जाए। सबसे पहले तो आप दायरा सीमित करना आपका क्यों जरूरी है? आप सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको मैच प्रेडिक्शन ही काम की है आपके, या आपके लिए सिर्फ टॉस की प्रेडिक्शन। टॉस तो नहीं खेलना चाहिए, क्यों नहीं खेलना चाहिए ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। दूसरा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अदरवाइज आप इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वीडियोज़ की आपको मिलेगी नहीं और आप पीछे हो जाएंगे। टाइम टू टाइम आपको अपडेशन नहीं मिल पाएगी मैच प्रेडिक्शन की, मैच विनर की प्रेडिक्शन जो हम देते हैं टाइम टू टाइम अपने इस यूट्यूब चैनल पर, वो आपको नहीं मिल पाएगी, आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम के लिंक को मैं फिर से कह रहा हूँ, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और टेलीग्राम के ग्रुप में आप ज्वाइन होंगे तो आपको सारे मैचों की प्रेडिक्शंस टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, आप फ्री मैचेस, जैकपॉट मैचेस सबका मज़ा ले सकते हैं और बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो गए तो। बात कर रहा था मैं दायरे की, आपको दायरा अपना क्यों बनाना है? दायरा बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस बैटिंग लाइन में अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है।
याद रखिएगा एक बात, भाप किसी भी इंजन को तभी खींच सकती है जब उसे एक दायरे में सीमित किया जाए। अगर वो भाप एक दायरे में सीमित नहीं है तो वो इंजन को कभी नहीं खींच सकती। किसी बिजली घर में जब पानी ऊपर फोर्स से गिरता है तभी वो बिजली पैदा करता है, लेकिन वो फोर्स इसीलिए पैदा हो रहा है क्योंकि उस बहुत सारे पानी को एक डैम में सीमित किया गया है, यानी दायरा। तो आप भी अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो अपना दायरा सीमित करिए पहले। अदरवाइज आप हाथ पांव मारते रहेंगे, हर सीरीज के बाद आप यही बोलेंगे नुकसान है, नुकसान है, इसकी वजह से है, उसकी वजह से है, खुद की वजह से है, किसकी वजह से है, वजह सिर्फ आप हैं, ये सिर्फ आपकी वजह से है, क्योंकि आपने अपना दायरा सीमित नहीं किया। चलिए आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ कि खरगोश और कछुए की कहानी तो हम सभी जानते हैं। खरगोश ने अपनी रफ्तार की बड़ी बड़ी डींगे हांकते हुए कछुए से मुकाबले के लिए बोल दिया। कछुआ भी तैयार हो गया भाई। लोमड़ी को जज बना दिया गया, दौड़ शुरू हुई। कछुआ धीमी रफ्तार से चल रहा था और खरगोश बहुत तेज़ी से भाग रहा था। खरगोश को आ गई नींद तो उसने कहा सुस्ता लेता हूँ, सो गया। कछुआ अपना दायरा जानता था कि मेरी रफ्तार धीमी है, मुझे निरंतर चलना होगा, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन लगातार चलना होगा, मैं थक नहीं सकता, मैं रुक नहीं सकता। और लास्ट में वो खरगोश जिसकी स्पीड बहुत तेज़ थी वो हार गया क्योंकि वो टारगेट तक नहीं पहुंच पाया। आप भी यही कर रहे हैं, आप भी सोचते हैं आज सेशन से पैसा कमा लूँगा, चलो इस मैच में भाव नहीं है सॉरी इस मैच में भाव नहीं है तो चलो भाई सेशन खेल के पैसा कमा लिया जाए। सेशन भी नहीं मिल रहा है, चलो भाई टॉस ही कर लेते हैं। भाई क्यों कर लेते हैं, क्यों, क्या ज़रूरत है, क्यों खुजली है आपको? जब तक आप अपना दायरा सीमित नहीं करेंगे, ध्यान रखिए, आप अपने टारगेट को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। और अगर आप अपना टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने आप को अनुशासित कर लीजिए, एक दायरे में सीमित कर लीजिए। सेशंस के लिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ सेलेक्टिव ही सेशंस आप खेलें, ज़्यादा व्यर्थ के चक्करों में ना पड़े। और मैं नई जनरेशन से कहना चाहता हूँ, बहुत ही इत्मीनान के साथ मेरी बात सुन लीजिएगा, इस बैटिंग की लाइन पे मत आइए, ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये गंदगी है, ये दलदल है, यहाँ बनने वाले लोग गिने चुने होंगे और बर्बाद होने वाले बहुत लोग हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है इसको बंद कर दीजिए। और अगर फिर भी आप किसी तरीके से इस दलदल में हैं तो अपने आप को अनुशासित करिए, सही चीज़ें करिए, सही तरीके से काम करिए और बाहुबली बनने की कोशिश ना करें, अपना दायरा सीमित करें। वरना आप भाप की तरह एक जगह पे अगर इकट्ठा नहीं हुए तो आपका इंजन खींचने वाला नहीं है। हो सकता है मेरी ये ऑडियो, मेरी ये वीडियो शायद किसी को अच्छी ना लगे, शायद उसे सुन के अच्छी ना लगे मेरी बातें, हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक भी रख सकते हैं, लेकिन जो मेरा तजुर्बा है, जो मेरी एनालिसिस है, जो मेरी प्रिडिक्शंस हैं और जो मेरा अनुभव है, मैं उस अनुभव के साथ कहता हूँ कि कतई भी इस तरह के गलत काम ना करें, कोशिश करें इस लाइन को जल्द से जल्द छोड़ दें। बैटिंग करना कोई बहुत अच्छी आदत नहीं है, नुकसान लगने पे आप परेशान होते हो, आपके फैमिली पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, आपके बिजनेस पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। नुकसान लगना कोई अच्छी चीज़ थोड़ी ना है, लेकिन अगर आप किसी तरीके से इस दलदल में हैं तो ध्यान रखिए, अपने आप को अनुशासित कर लीजिए, क्योंकि जिन बच्चों को बिना अनुशासन के काफ़ी आज़ादी देकर पाला जाता है वे आम तौर पर बड़े होकर ना तो अपनी इज्जत करवा पाते हैं, ना ही अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं और ना ही समाज से इज्जत पा पाते हैं, क्योंकि वो जिम्मेदारियाँ कबूल नहीं करना चाहते। आपको जिम्मेदार बनना ही पड़ेगा और आप जिम्मेदार तभी बन पाएंगे जब आप अपने आप को एक दायरे में सीमित करेंगे। सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि आपको करना क्या है। तो मेरी सलाह यही है, टॉस की मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, उसको देख लीजिएगा, टॉस क्यों नहीं खेलना चाहिए। रही बात सेशन की, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, सिलेक्टिव ही खेलिए, बहुत कम खेलिए, लिमिटेड खेलिए
और अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मैच प्रेडिक्शन पे ही आप कुछ करें और हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर जुड़ें ताकि आपका परमानेंट बेनिफिट होता रहे, वो आपके लिए मैंडेटरी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि अगर आपका कोई भी जान पहचान का छोटा बड़ा भाई कोई भी इस दलदल में फंसा हुआ है तो उसको इस दलदल से दूर करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि कुछ लोग वीडियोज़ को देखते तो पूरा एंड तक हैं लेकिन लाइक नहीं करते। जब आपने लाइक किया नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने जिस टॉपिक्स पे आप लोगों को कुछ देने की कोशिश की है वो सही है या गलत। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सेशन किंग मिलता रहूँगा आपसे इसी तरह की बातों के साथ और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं कुछ अच्छा ही देता रहूँ, क्योंकि आप लोगों से मुझे जो प्यार सम्मान स्नेह मिलता है उसकी मैं हमेशा इज्जत करता हूँ और यही चाहता हूँ कि जब भी मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से आप लोगों के बीच आऊं तो आप लोगों को बेहतर ही मिले, अच्छा ही मिले, क्योंकि गुड इन गुड आउट, अच्छा अंदर जाएगा तो अच्छा ही बाहर आएगा। तो अगर मेरी अच्छी सोच आपको लगती हो तो आपकी भी सोच किसी को अच्छी लगनी चाहिए और ये चैन सिस्टम बनेगा तभी चीज़ें अच्छी होंगी और चीज़ें बेहतर होंगी। तो चलिए ख्याल रखिएगा सब लोग अपना। लव यू ऑल।